हमारी आज की मुख्य अतिथि आदरणीय सविता चड्ढा जी, आपको आपका मंच पर स्वागत करती हूँ। और विशिष्ट अतिथि आदरणीय शंकु पवार जी, आदरणीय जगदीश मीणा जी, बड़े भाई विनोद गंगावासी जी और मेरे मंच की तीनों संरक्षिकाएं बीना मित्तल दीदी, सूक्ष्मलता दीदी, पुष्पा दीदी एंड मेरी सबसे सहयोगी, सबसे बड़ी सहयोगी मेरे मंच की उपाध्यक्ष आदरणीय नीता जैन, आपका मंच पर स्वागत करती हूं। मैं दिल से स्वागत करती हूँ मेरे समक्ष बैठी मेरी समस्त क्रू मीडिया महिला कार्य मंच की सखियों का, सदस्यों का, कि आप सभी के सहयोग से ये कार्य संपन्न हुआ और ये आज का मान सम्मान सब आप ही को समझ। सबसे पहले मैं क्रू मीडिया के संपादक एंड संस्थापक श्री ओम प्रकाश प्रजापति जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हम आधी आबादी को इतना सुंदर और इतना भव्य मंच दिया जिसका नाम है ट्रू मीडिया महिला कार्य। एक बार जोरदार ताली कि आज हम यहाँ किस विशेष आयोजन की वजह से इकट्ठे हुए हैं। एक बार उस आयोजन और उस काव्य अक्षर पुस्तक के लिए जोरदार तालियां बजाएगा। जैसा हम सब जानते हैं कि इसमें 30 रचनाकारों की सहभागिता रही काव्याक्षर पुस्तक में, और इस पुस्तक में दिल्ली भी नहीं, दिल्ली से बाहर भी हमारे जो ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच के सदस्य हैं उन्होंने अपनी प्रतिभागिता दी, सहयोग दिया। और आज खुशी की बात है कि इस समय जबकि कोरोना काल चल रहा है वो सभी सदस्य हमारे आज यहाँ आए, जिसमें 3 तो हमारी जयपुर से आई है सदस्य लक्ष्मी श्री देवी जी, नीता माथुर जी और प्रशंसा श्रीवास्तव जी। इसके अतिरिक्त चंडीगढ़ से पधारी है मेरी बेहद प्यारी बड़ी बहन नेहा शर्मा, आप सभी उसकी जानकारी रखते हो और मेरी सहयोगी कामना ने, सोनिया ने आपको इसके बारे में बताया, फिर भी मैं छोटा सा परिचय आपको ट्रू मीडिया का देना चाहूंगी कि लगभग 65 देशों में देखे जाने वाले YouTube चैनल या मासिक पत्रिका आज देश ही नहीं विदेश में भी अपनी विशेष पहचान रखता है। ट्रू मीडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, ट्रू मीडिया को बुक ऑफ रिकॉर्ड 2016 और ग्लोबल बुक ऑफ रिकॉर्ड 2017 से भी सम्मानित किया जा चुका और जल्दी ही ट्रू मीडिया का 100वां अंक जो कि विशेष पत्रिका निकालते हैं मासिक वो भी आप सबके समक्ष होगा। एक बार इसी प्रतिष्ठित संस्थान के अंतर्गत चलता है ट्रू मीडिया महिला का, जिसका आज जिसके प्रश्न हम आज हम करते हैं। ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच का गठन कैसे हुआ मैं थोड़ा सा विस्तार से आप लोगों को बताना चाहूंगी, वैसे सभी परिचित हैं लेकिन फिर भी प्रोटोकॉल के हिसाब से मुझे बताना पड़ेगा कि ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच की स्थापना आज से कुछ वर्ष पूर्व हुई, जब जैसे सर ने बताया कि हम एक बार एक साहित्य का आयोजन के दौरान ट्रू मीडिया के कार्यालय में बैठे थे और वहां पर सर के द्वारा ये कहा गया कि मैं ट्रू मीडिया ऑलरेडी साहित्य के क्षेत्र में ट्रू मीडिया कार्य कर ही रहा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा मैं कुछ और भी करना चाहूंगा। जब उन्होंने कहा कि मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ तो मेरे दिमाग में एक सुझाव था जो मैंने सर के समक्ष रखा और बेहद प्रसन्नता की बात है कि सर ने सभी वहां पे उपस्थित सूक्ष्मलता दीदी, लता दीदी, पुष्पा जोशी दीदी, सोनिया सूर्य प्रभा जी की उपस्थिति में मेरे सुझाव को स्वीकार किया और कुछ दिनों के उपरांत ही ट्रू मीडिया महिला
निशब्द थी उस वक्त, और उसके लिए यही कहूंगी कि आदरणीय ओम प्रकाश जी, आपने जो गरिमामयी पद मुझे दिया उसका मैं सदैव ध्यान रखूंगी, और इसके अंतर्गत जो भी कार्य होगा उनका निर्वाह मैं सदैव निष्ठा से पूरी ईमानदारी से करूंगी। अगर मेरे कार्य में कभी कोई त्रुटि लगे, आप सभी को लगे, सबको लगे, तो मुझे जरूर अवगत कराइए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कोरोना काल, पिछले 1.5-2 साल से एक भयंकर बीमारी ने हम सबको घेरा, जो देश ही नहीं पूरे समस्त ब्रह्मांड को उसने अपनी चपेट में लिया। ज्यादातर लोग दुख में ही रहे इस समय भी हमारा ट्रू मीडिया काव्य मंच एक दूसरे का सहारा बना। ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच के अंतर्गत इसमें आयोजन होते थे, जिसमें कि जब हमारे हृदय बहुत दुख से भरा हुआ था, उसमें छोटी मोटी काव्य गोष्ठी या काव्य पाठ से हम लोगों ने एक दूसरे को संबल दिया, क्योंकि एक कवि जो होता है, सुख हो या दुख हो, उसको सबसे ज्यादा प्रिय होती है अपनी कला। वो सुख में होगा, खुशी में होगा, तब भी वो दो पंक्तियां लिखेगा, वो दुख में होगा, वो तब भी दो पंक्तियां लिखेगा। तो जो कवि हृदय होता है उसका सबसे बड़ा संबल होता है उसकी कलम, और इस कोरोना काल में ये हम सबका संबल बनी, और हम सबको इसके लिए आदरणीय ओम प्रकाश जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने लगातार अपना सहयोग दिया हमें। और जब भी ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच की मासिक गोष्ठी होती थी, अपना पूरा समय वो हमें देते। ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच अपनी साहित्य की यात्रा करता हुआ आज अपनी पहली कामयाबी के अवसर पर आप सबके समक्ष खड़ा है, और इस सबका श्रेय मैं दूंगी, इस कामयाबी का श्रेय दूंगी मैं आप सब, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये सब संभव नहीं था। और किसी भी कार्य को सफल तभी किया जा सकता है जब उसमें सभी सदस्य अपने दिए गए कार्य को निजी मंच का कार्य न समझ के निजी कार्य समझते हैं, और उसका निर्वाह पूरी ईमानदारी से करते हैं। और मेरी ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच की महिला सदस्य इस बात का उदाहरण है कि उनको जब भी जो भी कार्य दिया जाता है वो उसका पालन करके बहुत ईमानदारी से करती हैं। और ट्रू मीडिया का कार्य क्या है, मैं थोड़ा सा संक्षेप में उसको भी बता दूं आपको कि ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच समय समय पर साहित्य से जुड़े अनेक कार्य करता है, जिसमें प्रमुख रूप से है दैनिक आयोजन, मासिक काव्य गोष्ठी, विशेष अवसरों पर विशेष काव्य गोष्ठी, साहित्य सांस्कृतिक आयोजनों पर सांस्कृतिक काव्य गोष्ठी, और इसके अतिरिक्त एक विशेष कार्य करता है ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच, जिसका नाम है व्यक्ति विशेष। व्यक्ति विशेष के अंतर्गत हम उन महिलाओं पर फोकस करते हैं जो समाज में अपनी पहचान कहीं खो चुकी है, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सराहनीय पूर्ण कार्य किए, लेकिन ना किसी वजह से, कह लीजिए पारिवारिक किसी जिम्मेदारियों की वजह से उनकी समाज में पहचान नहीं हो पाई, तो उन महिलाओं को उन पे विशेषांक निकालते हैं, उस पे हम साक्षात्कार लेते हैं। ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच एक ऐसा सुरक्षित मंच मुझे लगा, और मेरे ख्याल से यहाँ पे जितनी महिलाएं बैठी हैं वो भी इस चीज को कहेंगी, एक ऐसा सुरक्षित मंच है जहाँ आपकी हर महिला अपने आप को विशेष होता है। किसी जगह हम जाए तो हमें डर भी लगता है कि पता नहीं कैसी संस्था होगी, कैसी जगह होगी, कैसा माहौल होगा, तो ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच एक ऐसा संस्थान है जहाँ आके हर एक महिला, प्रत्येक महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। एक बार इसके लिए तालियां बजा दीजिए। कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ट्रू मीडिया की हमारी आज की मंच संचालिका ने कह दिया ट्रू मीडिया के लिए, और एक चीज आप सबसे और साझा करना चाहूंगी आज कि बहुत जल्द
इसी प्रकार का एक और विशेष आयोजन हम लोग महिला दिवस पे मार्च के महीने में करने जा रहे हैं, जिसका सभी का सहयोग मिले। इसी प्रकार से ये जैसे आज आप लोगों ने मुझे सहयोग दिया, ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच के अंतर्गत आज जो काव्य अक्षर का लोकार्पण हुआ है, सही मानने में मानिए कि मेरा एक सपना साकार होगा। किताबें बहुत अच्छी और मीडिया की आगे ऐसा नहीं है कि हम लिखते हैं, जो राइटर लिखता है उसकी पुस्तकें लोकार्पण भी होती हैं और समाज के समक्ष भी आती हैं, लेकिन ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच में मेरे साथ उन तमाम स्त्रियों का सहयोग, उन रचनाकारों का सहयोग रहा जो पहली बार अपनी रचना भी प्रकाशित करवा रही। मुझे इस काव्य लोकार्पण की इसलिए विशेष खुशी है कि इसमें उन रचनाकारों को हम आगे ला पाए ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच के दौरान, जिनकी कहीं पहचान नहीं थी, जो अपना एक अटल चाहती ट्रू मीडिया के दौरान, और ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच की ट्रू मीडिया भी एक ऐसा पायदान है जिसपे चल के हर महिला सुरक्षित है और आज समाज में अपनी कहीं ना कहीं पहचान बना रही है। और मेरे ख्याल से आप सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच में जो महिला आती है उन्हें विशेष विशेष सम्मान दिया जाता है, विशेष आयोजन के दौरान उनकी काव्य अशोक जी उनकी काव्य गोष्ठी को रिकॉर्ड करते हैं और यूट्यूब चैनल पर चला ट्रू मीडिया यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हुए और आप सभी का स्वागत करते हुए ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच के इस लोकार्पण की आप सभी को बधाइयां देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।